We are going to start our new topic for 10th class students. तो हम कहां तक कवर कर चुके थे? हमने बता दिया था कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज हो है? और एवोल्यूशन ऑफ गैस वहां पे हो रहा हो, ठीक है. तो ये तीन चार चीजें हमने बताई. फिर इसके बाद बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को, ये भी बताया, ठीक है. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो वास्तव में, अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी आइडिया दिया था कि ये केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज से आया हुआ वर्ड है, ठीक है. कौन किससे कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्लियर. अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कितने तरीके की होती है. इससे पहले मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा बेटा, अगर तुम्हें सचमुच हेल्प मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी के अपने दोस्त लोगों की हेल्प करो, ठीक है. ये वीडियो शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है बेटा, पहले मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे कितने तरीके के रिएक्शन होते हैं. मेनली हमारे पास ये चार तरीके के रिएक्शन है. पहले है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके बाद दूसरी है बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर. तो हम पहले और भी हैं, ठीक है, थोड़ी और पढ़ेंगे और हायर क्लासेस में जैसे जैसे मूव करते हैं कुछ और भी टाइप्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन फिलहाल टेंथ के लिए जितनी है वो मैं भी पढ़ाऊंगा. तो पहले ये चार को डिफाइन करता हूं एक एक करके बेटा. सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वर्ड से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ कंबाइन होता है. क्या होता है बेटा? कुछ कंबाइन होता है, ठीक है. और क्या कंबाइन होता है मैं बता देता हूं. कभी भी इधर क्या होंगे, हमेशा रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है. मैं पहले पूरा वर्ड लिखता हूं जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो. रिएक्टेंट्स होंगे और एरो के इधर, है ना, एरो का जिधर हेड है उधर क्या होंगे बेटा? प्रोडक्ट्स होंगे, है ना. तो देखो, जब रिएक्टेंट ज्यादा हो, दो हो या तीन हो या चार हो, जितने भी हो, ठीक है, और प्रोडक्ट बन रहा हो इससे कम, एक ही प्रोडक्ट बन रहा हो, कितना बन रहा हो, एक ही प्रोडक्ट बन रहा हो. फॉर एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं मैं, ओनली वन प्रोडक्ट. रिएक्टेंट कितने भी हो, प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, एक. तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या बोलेंगे बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या तुम डेफिनेशन अपने आप बना सकते हो? हाँ सर, बना सकते हैं. when two or more reactants combine together to form a new product, to form a single product, it is called a combination reaction. When two or more reactants combine to form a single product, then the reaction is called combination reaction. ठीक है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं. फॉर एग्जाम्पल ले लो, हम जब कोयले को जलाते हैं, कोयला लिया मैंने, कोयला तो जानते हो तुम लोग. अरे सर, पहले तो
आता था भट्टी में जलाने के लिए, लेकिन अब किसने देखा है। अरे फिर भी कभी तो देखा होगा कोला। इसलिए ना थोड़ा गांव के भी टच में रहना चाहिए, क्योंकि नेचुरल चीजें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो कोयले को जब जलाओगे, तो पिछले वीडियो में बताया था जब भी हम किसी को जलाते हैं तो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ। कोयले के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जला रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। फिलहाल मैं कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा हूँ। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पे हाफ ओ टू ले लूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, मतलब खाली सी ओ। ये क्या है, कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। तुम नाम लिखने की आदत डाल लो नीचे, ये क्या है कार्बन है, कूल के अंदर से लिया है। ठीक है, ये क्या है ऑक्सीजन है। कार्बन कैसा होगा, सॉलिड होगा, ये कैसी होगी बेटा गैस होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, और ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। नाम लिखने की आदत इसलिए डाल दो कि ये तुम्हें अपने आप नाम लिखते लिखते चीजें याद हो जाएंगी, अदरवाइज तुम्हें दिक्कत होगी। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। फिर मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराई वाटर से। ये क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या दिख रहा है नीचे तक, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, चलो दिख रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड की मैंने रिएक्शन कराई बेटा वाटर के साथ। ठीक है, तो यहां पे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होगा बेटा, हमेशा सॉलिड होगा, इसे क्विक लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है, ठीक है, कॉमर्शियल लेवल पे क्विक लाइम बोला जाता है। ठीक है, H2O जानते हो तुम, लिक्विड होगा, वॉटर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो भी सॉलिड होगा। क्लियर, इसे ये किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, क्लियर। और इसको दूसरा नाम लिख रहा हूं इसका यहां पे, इसको स्लेक्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा इसे कैल्शियम ऑक्साइड के यूजेस के बारे में बात करूंगा मैं अभी। ठीक है, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पे जो चूना मारते थे ना पहले, अभी तो थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया, पुट्टी वगैरह आ गए, थोड़ा और एडवांस चले गए, लेकिन पहले चूना मारते थे दीवार पे पुराने जमाने में। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाओ, ज्यादा पुराना जमाना भी नहीं, 5-7 साल पीछे भी जाओगे तो भी कुछ लोग मिलेंगे, और गांव में तो आपको अब भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता था, ये एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और फिर वहां से ब्रेक होता है वापस उसी में, ये याद रखना थोड़ा सा, ये स्लेक्ड लाइन है, वो क्विक लाइन है। ये एग्जांपल हो गए, समझ में आई ये बात। चलो बेटा, अच्छा अब हम एक और अब दूसरी टाइप की रिएक्शन ले रहा हूं मैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें अभी मैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पे नहीं ले रहा हूं, मैं एक साथ कवर कर रहा। ठीक है, दूसरे तरीके की, दूसरे टाइप के रिएक्शन पे आते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हो रहा है, वर्ड से पता चल रहा है कुछ, क्या होगा बेटा, डिकम्पोज होगा। क्या होगा, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने का मतलब है, एक मान लो मेरे पास यहां पे स्टिक है, डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, हिंदी में समझा रहा हूं, टूटना। ठीक है, तो क्या करूं मैं, इसको बीच में से तोड़ दूं, कितने पार्ट कर दूं, यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया, तो इसको मैंने डिकम्पोज किया तो मेरे पास 3 पीस बन जाएंगे टोटल, प्लस एक ये वाला पीस बना और एक और नीचे पीस बन गया। तो जब एक रिएक्टेंट, एरो के इधर हमेशा क्या रहेगा, रिएक्टेंट, एरो के इधर हमेशा प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट जब 2 या 3 या 4 या 5 के कितने में भी टूट रहा हो तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और वर्ड में देखना चाहते हो तो मैं ये बोल सकता हूं, ए से अगर बी प्लस सी प्लस डी समथिंग बन रहा हो तो हम क्या बोलेंगे, इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, क्या डेफिनेशन बना सकते हो अपने आप, क्या बनाओगे डेफिनेशन, अब तो इंटेलिजेंट हो गए, फटाफट बोलो। व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज
by heating by heat, decomposed by heat, sunlight, ऐसे देखो, decompose in presence of heat, sunlight and electricity, और electricity, और लगा दो तीनों के बीच में, और electricity, तीनों में से किसी से भी decompose हो रहा हो, ठीक है, उस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, ए से जब बी सी डी बन रहे हैं तो ये रिएक्शन यहां पे हो सकता है हीट हो रहा हो, हीट नहीं भी हो रहा हो तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो सकती है, सनलाइट की प्रेजेंस में भी नहीं हो रही है तो तीसरी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, ठीक है, चार्ज की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिएक्शन, ठीक है, then the reaction is known as, then the reaction is called, sorry complete, ये सब short form है बेटा, reaction is called decomposition reaction, क्या बात समझ में आ रही है तुम्हारे तुम लोगों के, ठीक है, example देख लेंगे एक बार, example देखो, methane gas होती है बेटा, ठीक है, methane gas को नेचुरल गैस भी बोलते हैं, CH4 फॉर्मूला मीथेन का, ठीक है, इसको इसका दूसरा नाम लिख दे रहा हूं नेचुरल गैस, ठीक है, ये क्या है बेटा, डिकम्पोज होती है, क्लियर, और डिकम्पोज हो रही है, देखो अब समझने की कोशिश कर रहा हूं, डिकम्पोज हो रही है तो रिएक्ट करेगी, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेगी, सॉरी ये एग्जांपल तो उसी में आ जाएगा कॉम्बिनेशन, अच्छा दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, ये वाला एग्जांपल ले लो आयरन सल्फेट का, ठीक है, क्या बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2, हाँ ये ठीक एग्जांपल है SO3, सर हमको थोड़ी आपकी तरह रिएक्शन याद रखती है बेटा, कुछ रिएक्शन एग्जाम्पल के तरीके से तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, ठीक है, ये डिकम्पोज होता है हीट की प्रेजेंस में, हीट का ये सिंबल है, ठीक है बेटा, ये क्या है दिखाता है, हीट दिखा रहा है, बैलेंस करो इस रिएक्शन को, यहाँ पे 2 लगा देना पड़ेगा तुम्हें, अब शायद बैलेंस हो जाएगा, अब ठीक है, ठीक है, ये सॉलिड है, इसका नाम है बेटा आयरन सल्फेट, ठीक है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है बेटा, इसका नाम है सल्फर 2 है इसलिए डाई ऑक्साइड, तो फिर सर यहां पे सल्फर 3 है मतलब ट्राई ऑक्साइड हो जाएगा क्या, हाँ बेटा ट्राई ऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, इज इट क्लियर, ये बात तुम्हारी समझ में आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये एग्जांपल हो गया, ठीक है, अब तो मैं एक सनलाइट का एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल AgCl सॉलिड है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये मेटल क्लोराइड है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, इसका फॉर्मूला है सिल्वर क्लोराइड, इस पे अगर मैं सनलाइट डालता हूं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की डाल रहा हूं, ऐसा नहीं सूरज में रख दिया सिल्वर क्लोराइड तो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए सनलाइट, मतलब कितनी तेज हो कितनी धीमी हो, मतलब धूप कितनी तेज है कितनी धीमी है उस पर डिपेंड करेगा, याद रखना इसकी रिएक्शन, ये क्या बनाएगा एजी प्लस प्लस सीएल माइनस में ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और क्या करेगा धीमे धीमे दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा एजी के साथ, तो 2AgCl ले लो, तो यहां पे एजी सॉलिड बना रहा होगा 2Ag और यहां पे क्लोरीन गैस निकलेगी, इसलिए मैंने वहां पे बैलेंस करने के लिए ये लिखा, ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, समझ में आ रहा है, हीट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, यहीं पे शॉर्ट में बता रहा हूं, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है उसे बोल देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या बोल देते हैं बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन, सनलाइट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसे बोल देते हैं फोटोलिटिकल डिकम्पोजिशन,
क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, ऐसे यहाँ पे AgBr का भी ले सकते हो, उसमें ब्रोमीन गैस निकलेगी, यहाँ पे Cl2 निकल रही है ना क्लोरीन गैस, ऐसे उसमें ब्रोमीन गैस निकलेगी, गैस ही होती है, ठीक है। थर्ड रिएक्शन की तरफ बढ़े, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो क्या सर, रिएक्शन 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 रिएक्शन, हमारी जिंदगी, मेरी जिंदगी भी क्या कठिन पतंग है, इतनी अच्छी चल रही थी, आपने क्या केमिस्ट्री के चक्कर में पढ़ दिए, कोई बात नहीं बेटा, बहुत इजी है, मजा आएगा पढ़ने, है ना। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा सुकून। चलो नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वर्ड से पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा है वर्ड से, मेरे में ताकत ज्यादा है तो मैं तुझे डिस्प्लेस कर दूंगा, है ना। किसी में ताकत ज्यादा है, मान लो एक रिएक्टेंट है, दूसरा अपने घर में सुकून से रह रहा है अपनी बीबी के साथ, ठीक है ना। ये भाई साहब है, ये इनकी वाइफ है, इनके साथ रह रहे आराम से, ये बोलता है कि नहीं, ठीक है। तीसरा एलिमेंट आता है इसमें, चल हट, इसको निकाल दिया और इसकी जगह खुद आ गया, मतलब ए बी बन गया और बी को निकाल दिया, इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ऐसा कब होगा, ठीक से समझने की कोशिश करो रिएक्शन को, ऐसा कब होगा जब ए में ताकत ज्यादा होगी, है ना। अगर मुझे किसी, मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मुझे किसी, कोई मुझे रिप्लेस करना चाहता है तो शर्त क्या है, उसके अंदर दम ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। दम मतलब पढ़ाने का दम ज्यादा होना चाहिए मेरे से, ठीक है, तब वो मुझे रिप्लेस कर सकता है। अगर उसमें दम नहीं है पढ़ाने का तो वो मुझे रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो मैं रोड पे जा रहा हूं, ठीक है, चाहे मैं रॉन्ग साइड में जा रहा हूं, मेरे मन में ऐसे ही आ गया कि नहीं आज मैं रॉन्ग साइड पे चलूंगा, रॉन्ग साइड पे जा रहा हूं, सामने से कोई बंदा आ रहा है, भाई तो रॉन्ग साइड पे क्यों चल रहा है, मैंने कहा मेरी मर्जी, अच्छे जा रहा हूं, तो अगर उसके अंदर दम हुआ, भाई साहब थोड़ा सा मेरे से ज्यादा हैवी हुए, तो वो क्या करेंगे, मुझे रिप्लेस कर देंगे, इधर से होकर उधर चला जाऊंगा, अपने आप ही चला जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर उनके अंदर दम नहीं हुआ तो वो मेरे से पूछेगा, मेरे एक जवाब पे वहां से चला जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ए पावरफुल है तो बी को रिप्लेस करेगा, अगर पावरफुल नहीं है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डेफिनेशन बनाओ फटाफट, लिखो, व्हेन अ मेटल नहीं, व्हेन ए रिएक्टेंट या एटम, लिखो ऐसे ऐसे लिखो, व्हेन एन एटम एलिमेंट डिस्प्लेस अदर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, देन द रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ रही बात, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर कभी नहीं भूलेंगे, उदाहरण ऐसा दिया, एग्जाम्पल ऐसा दिया, एग्जाम्पल के बिना बेटा क्या है ना, डेफिनेशन से एग्जाम्पल नहीं, डेफिनेशन से याद नहीं रखना है, एग्जाम्पल से डेफिनेशन याद आनी चाहिए, तो कभी गलती नहीं होगी एग्जाम में और तुम्हें हर चीज रटनी नहीं पड़ेगी, ये फैक्ट है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ, एक मस्त सा एग्जाम्पल है ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है, प्योर केमिस्ट्री का। पानी सुनो, पानी नहीं लेने हैं, एक थोड़ा सा मेरे पास एक है, मेरे पास रिंच है, ठीक है, मैं काफी यूज करता हूं इसे एग्जांपल्स के लिए। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेता हूं, एक कांच का बर्तन लिया मैंने, तो मैं दिख रहा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, मैंने उसके अंदर एक डिप किया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, कैसा होता है, वो ब्लू कलर का होता है। अच्छा, मैंने डिप किया, थोड़ी देर ये ऐसी रहती है, रखा रहा, तुम घूम फिर के आए 3-4 घंटे बाद, तुमने क्या देखा,
कि जब तुम इसे ऐसे निकालते, निकालना भी नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या, वो जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो धीमे धीमे व्हाइट बन गया होगा, ठीक है, कलर चेंज। और ये जो व्हाइट जैसा कलर दिख रहा है तुम्हें रेंज का, ये बेटा ब्राउनिश कलर की हो गई, मतलब इस पे जंग लग गई, ठीक है। तो रिएक्शन तो हुई है अंदर कुछ ना कुछ, अब वो क्या रिएक्शन हुई है वो देखो। ये रिएक्शन होती है आयरन सॉलिड, ठीक है बेटा, किससे रिएक्शन कराई मैंने, कॉपर सल्फेट। ये किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कलर कैसा होता है इसका, ब्लू होता है। ये रिएक्शन हो गई, अच्छा ये कैसा होगा, एक्वियस, मतलब बता दिया था एक्वियस किसे कहते हैं, है ना। तो क्या होगा, आयरन में ताकत ज्यादा थी इसलिए उसने एक नया सॉल्यूशन बना दिया और कॉपर को वहां से निकाल दिया। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या समझ में आ गया, ठीक है। इसके नीचे अभी मैं एक चीज फोर्थ रिएक्शन समझा रहा हूं जिसे हम बोल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें बस इतना सा अंतर है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन दो बार होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन दो बार होगा। दो बार कैसे होगा, एक मस्त सा एग्जांपल ले रहा हूं तुम्हारे लिए मैं, एनए टू, अच्छा ये क्या बना, ये किसका फॉर्मूला क्या बेटा, आयरन सल्फेट। ये फॉर्मूले के नाम मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे तुम्हें याद हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं Na2SO4, ठीक है बेटा, एक्वियस सॉल्यूशन होगा। ये रिएक्शन करता है BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम क्लोराइड का भी एक्वियस सॉल्यूशन होता है। और ये हमें दे रहा है बेटा NaCl2NaCl प्लस BaSO4। यहां पे है ना, जितनी भी रिएक्शन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आज, वो सब पहले से बैलेंस्ड है, ठीक है। तुमसे एग्जाम में क्या करवा सकता है, क्वेश्चन दे देगा, मान लो ये वाला यहां टू नहीं लगाता है, बोलता है सबसे पहले तो बोल देगा बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड टेल द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो बैलेंस करोगे, फिर पहचानोगे कि कौन सी रिएक्शन, ठीक है। तो पहचान हम बता देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे है। देखो इसमें दो दिख रहे होंगे तुम्हें, एक Na दिख रहा है, एक सल्फेट दिख रहा है, SO4 दिख रहा है। इसमें भी दो दिख रहे होंगे, Ba दिख रहा है और Cl दिख रहा है, इतना तो पहचानना आता है हमें, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा, सोडियम सल्फेट। Na मतलब सोडियम, SO4 मतलब सल्फेट। कुछ बच्चों की कंप्लेन आ रही है कि सर फॉर्मूले बनाना सिखाओ, फॉर्मूले बनाना बेटा ये चैप्टर में नहीं है, ठीक है, फॉर्मूले बनाना इस चैप्टर में नहीं है, वो अभी हम सिखाएंगे। और ऐसा सिखाऊंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे और तुम सबके फॉर्मूले बना पाओगे, ठीक है। फिर फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, हम है ना सबके लिए। BaCl2 क्या बेटा, बेरियम क्लोराइड। बना क्या है, NaCl तो तुम जानते हो सोडियम क्लोराइड है, सके तो हाँ सोडियम क्लोराइड लिख दिया हमने। और ये क्या है, ये सॉलिड बने हैं दोनों, बेरियम। SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट, सल्फेट। तो ये बेरियम सल्फेट हो गया, ठीक है। क्या हुआ बेटा, इन दोनों में SO4 के ऊपर टू नेगेटिव होता है, ठीक है, आयंस एक्सचेंज हुए, इसका पहला इसके साथ मिक्स हुआ, ठीक है। मतलब देखो इनमें से एक उठ के इसके इधर आ गया है और इसमें से एक उठ के इधर चला गया, क्या यही हुआ है, Na ने Cl के साथ बॉन्डिंग कर ली, ठीक है, Ba ने सल्फेट के साथ कर ली। नहीं समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आनी चाहिए, ठीक है, मैं हूं है ना, और मेरा कोई अच्छा दोस्त है, ठीक है। कौन सी मूवी है, अरे तुमने मूवी देखी होगी बोल बच्चन मूवी देखी है, बोल बच्चन मूवी में क्या होता है, क्या होता है, अजय देवगन अभिषेक बच्चन की बहन से शादी करता है ना,
और अभिषेक बच्चन अजय देवगन की बहन से शादी करता है। समझ में आ रहा है? ऐसा नॉर्मल सोसाइटी में नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मूवीज है, ठीक है। लेकिन तुमको बस एग्जांपल समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूं। तो क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ है। क्या हुआ बेटा? एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे से। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ? इसका कैटायन इसके एनायन के साथ चला गया। सीएल हमेशा माइनस की फॉर्म में देखा होगा आज तक तुमने, क्लोरीन हमेशा माइनस की फॉर्म में देखा होगा, और सल्फेट भी माइनस की फॉर्म में होता है, और BaSO4 के साथ चला गया, तो ये बन गया। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक नई टाइप की। ये तो तुम्हारी चार मेन रिएक्शन हो गई, खत्म। अब हम तुम्हें कुछ और बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पे एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, सिंपल बस। यहां क्या होता है? एक्सचेंज होता है, ठीक है। लिख दूं मैं यहां पे डेफिनेशन लिखना चाहूं तो डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा, ये एग्जांपल हटा रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, व्हेन कैटायन ऑफ वन रिएक्टेंट कंबाइंस विथ अदर रिएक्टेंट कंबाइंड विथ एनायन ऑफ अदर रिएक्टेंट एंड ऐसे नहीं, और शॉर्ट करते हैं, मस्त सी डेफिनेशन, ये तो थोड़ा बड़ी हो जाएगी। व्हेन कैटायंस एंड एनायंस ऑफ टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज साइमल्टेनियसली, then the reaction is called double displacement reaction। इसमें कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट नहीं, बड़े अच्छे से समझ में आ गया। एक चीज बताना चाहता हूं यहां पे, ये जो बेरियम सल्फेट है ना बेटा, ये सॉलिड होता है, इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्या बनते हैं? इसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। प्रेसिपिटेट्स क्या होता है? प्रेसिपिटेट कुछ नहीं होता है, मैंने दो सॉलिड को मिक्स किया, ठीक है। अब वो मिक्स होके उसमें कुछ सॉलिड बन रहा है, ठीक है, कुछ प्रेसिपिटेट्स मिल रहे हैं हमें। तो प्रेसिपिटेट्स मतलब सॉलिड पार्ट मिल रहा है, पानी के अंदर कुछ पड़ा रह गया, उसे प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। तो जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं। तो एक नई रिएक्शन डिफाइन कर देते हैं, वो रिएक्शन क्या होगी? वो रिएक्शन ये होगी, द रिएक्शन, नई डेफिनेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और उसमें यही एग्जाम्पल लिख देना तुम्हें, ठीक है, यही एग्जाम्पल ठोक दो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन को लिखता हूं, ठीक है, रिएक्शन ही है, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट्स, पूरा लिखता हूं ना, बोलोगे फिर से क्या शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो? प्रेसिपिटेट्स आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Is it clear? कोई दिक्कत? एग्जाम्पल यही वाला हो जाएगा, बैरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बन रहे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े बेटा, चलो कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन स्टार्ट करते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन और पढ़ेंगे, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन तक आज हम कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में। तीन लेक्चर में टोटल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सोचो तुमने वो वीडियो जो देखा था, जिसका भी वो शेयर किया गया था, वो आधा घंटे में हुआ था, आधा घंटे में, फिर तुम्हें, मैं नहीं समझता कि तुम्हें उतना अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत लिमिटेड कंटेंट था, है ना। एकदम एक्सपेंड करके सब चीजें समझानी चाहिए, वो सब नहीं था उसमें। इसकी वजह से मैंने अपनी वीडियोस बनाने का डिसीजन लिया, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? पहले तो एक्सो,
वर्ड से पता चल रहा है कि हाँ एक्सो मतलब होता है बेटा बाहर, ठीक है, एंडो मतलब होता है अंदर, ठीक है। देखो थर्मिक मतलब होता है हीट, ठीक है, हीट, समझ में आ रही है कुछ रिएक्शन। देखो एक रिएक्टेंट है, ठीक है, और दूसरा क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट मतलब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ हीट बाहर निकल रही हो, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वर्ड से याद रखना है, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट, तो रिएक्शन हुई, रिएक्शन में से हीट जनरेट हुई, क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गई ये बात। एंडोथर्मिक में क्या होगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बन रहा हो लेकिन उसमें हम हीट अंदर दे रहे हैं, अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं और प्रोडक्ट में तब जाके वो कन्वर्ट हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। तो जब एरो के इधर हीट लिखा जाए तो क्या होगी, एंडो, और जब एरो के इधर हीट लिखा जाए तो क्या होगी, एक्सो। कभी कभी यहां पे हीट की जगह एनर्जी लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि एनर्जी की ही एक फॉर्म है हीट, ठीक है, एनर्जी की एक फॉर्म है हीट। समझ में आ रहा है, एग्जांपल देखिए, डेफिनेशन खुद बना सकते हो, क्या बनाओगे, द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, एनर्जी इज, अभी हम हीट और एनर्जी को एक ही बता दे रहे हैं लेकिन जैसे जैसे हायर क्लास में पढ़ोगे दोनों अलग अलग हो जाती है, हीट और एनर्जी में काफी अंतर है, थर्मोडायनेमिक का लॉ क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए अभी तो बता दे रहा हूं हमारे समझने के लिए, टेंथ में कोई दिक्कत नहीं है, इलेवंथ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तुम यहां पे एनर्जी की जगह हीट भी लिख सकते हो, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, मजा ही आना चाहिए, बिना मजे के क्या जिंदगी है, जिंदगी झांडों नहीं बननी चाहिए, जिंदगी मजे के लिए है ना, मजे मारो बस। इसकी क्या बनेगी, द रिएक्शंस इन विच हीट इज गिवन टू रिएक्टेंट, इज गिवन टू रिएक्टेंट to produce the product, yeah, to form the product, to form product, to form product is called endothermic reaction, is called endothermic reaction, ठीक है। example देखें, इसका तो बहुत अच्छा है और easy सा example है, जब हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम यहां पे हीट दे रहे होते हैं, ये किसका सिंबल है, हीट का सिंबल, क्या कर रहे होते हैं बेटा, हीट दे रहे। बेस्ट एग्जांपल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कि सर समझ में नहीं आया, समझ में क्यों नहीं आया, एक फ्रिज में से निकालो, ठीक है, ट्रे के अंदर से तुम जो बर्फ के क्रिस्टल्स निकालोगे उनको एक उसमें डालो, बीकर के अंदर, बीकर के अंदर या बर्तन में डालो, उन्हें हीट करो, तो जब तुम उसे हीट कर रहे हो, जब बर्फ से पानी बन रहा है तो क्या वो पानी तुरंत गर्म होता है, हैं, बर्फ से जो पानी बनता है वो पानी ठंडा होता है, बर्फ पिघल के जो पानी हमें मिल रहा है थोड़ी देर बाद वो पानी तो ठंडा होता है, इसका मतलब हीट नहीं निकल रही है, हीट तो हम दे रहे हैं नीचे से लाइटर लगा के, ठीक है, तो हीट नहीं निकलती है क्योंकि पानी ठंडा होता है, अगर पानी तुरंत गर्म बन रहा होता, बर्फ पिघल रही है और पानी तुरंत गर्म बन रहा होता तो बोल देते हीट प्रोड्यूस हो रही, ठीक है, तो इसलिए वो एग्जांपल इसका एंडोथर्मिक का है। एक्सोथर्मिक का मस्त एग्जांपल है, प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल है। एक तो मैं तुम्हें केमिकल बता देता हूं, मैं वो एग्जांपल पहले दे रहा था कि जो मीथेन गैस है, ठीक है, मीथेन गैस होती है, अच्छा आइस का फॉर्मूला क्या होता है, H2O सॉलिड फॉर्म में और वाटर का H2O लिक्विड फॉर्म में, कंफ्यूज नहीं होना है, पानी का होता है, तो पानी से एक बर्फ बनती है
या बर्फ से जो पानी बनता है, ठीक है। मीथेन बेटा, जब मीथेन गैस एक गैस है, ठीक है, इसको नेचुरल गैस भी बोलते हैं, काफी जगह यूज की जाती है, ठीक है। जब ये बर्न होती है, ठीक है, जब ये बर्न होगी, मैं डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूं, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। ये तो गैस है और ये लिक्विड है, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, यहां पे हमें साथ में हीट मिलती है, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, ठीक है। या तो ये याद कर लो, नहीं तो दूसरा एक मस्त सा एग्जांपल बता रहा हूं, मैं पहले उसे समझाऊं फिर बताऊंगा क्या एग्जांपल है। वो एग्जांपल ये है कि जो हम आलू खाते हैं, जो हम चावल खाते हैं, उसके अंदर क्या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, वो धीमे धीमे बॉडी के अंदर जाके टूटते हैं, पार्ट्स में टूटते हैं, और कार्बोहाइड्रेट टूट के बेटा ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। मस्त एग्जांपल समझा रहा हूँ, बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट गया, ब्रेक हुआ, ठीक है, क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ठीक है, क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। अब ये ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है ना, ये अंदर ऑक्सीजन होती है लंग्स के अंदर, उसकी प्रेजेंस में टूट जाता है और ये बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। समझ में आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट, ये किसका फॉर्मूला, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से टूट के ग्लूकोज बना, नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स बनती है, मतलब ये तो एक है, यहां पे क्या है, एक लगा हुआ है, अगर यहां पे दो हो तो ये दो ग्लूकोज की यूनिट हो गई, यहां तीन हो तो ये तीन हो गई, ठीक है। मैंने तो जितनी भी ग्लूकोज बनती है, ग्लूकोज की यूनिट बनती है, देखो समझने की कोशिश करो, एक ग्लास पानी लेता हूं बीकर के अंदर, तो उसका उसका फॉर्मूला क्या हुआ, बीकर के अंदर मैंने एक गिलास पानी डाल दिया, एक गिलास पानी का फॉर्मूला क्या हो, H2O, नहीं, H2O तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, उसके अंदर तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक गिलास पानी के अंदर है, उतना आगे H2O के मतलब H के आगे नंबर लगा दो, वो उसे एक गिलास पानी का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ऐसे में से क्या करते हैं, अपना काम आसान करने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स में से खाली एक ले ली, उसका ब्रेकेज दिखा दिया, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी जो निकलती है ग्लूकोज के टूटने से, वही तो एनर्जी बॉडी में दौड़ रही है, तभी तो पढ़ा रहा हूं यहां खड़े होके, है ना, समझ में आ गया, ये एक्सोथर्मिक का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्शन, कि ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करें, चलो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी के लिए इतना ही काफी है, काफी मैं समझता हूँ शायद 35 से 40 मिनट की वीडियो आराम से हो गई होगी, ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।